नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम अक्षर गोट फार्म पर और इनके ब्रीडर देखने वाले हैं। जो ब्रीडर होते हैं वो किसी भी एक बाड़े की जान होते हैं। जैसे आप ये सामने खड़ा ब्रीडर देख सकते हैं, इसका क्या रिज़ल्ट रहा। अगर आप भी अपने यहाँ पर कुछ अच्छे ब्लड लाइन वाले बकरे का चयन करते हैं तो वो बिल्कुल फार्म सुधार सकते हैं, है ना, और फार्म की जो काया है वो पलट सकते हैं। ये दोनों आप ब्रीडर देख सकते हैं, तो चलिए इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और ब्रीडर में क्या क्या खास बात होने चाहिए इसके ऊपर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं फार्म ओनर से। तो सर, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताइए और अपने फार्म के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम रवि है जी, और ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये सीकर डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्मणगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत रेणु में अभी है, जो हमने कोविड के अंदर मार्च 20 में स्टार्ट किया था और अभी तक ये रनअप में है। जी सर, जैसे आज हमारा टॉपिक है ब्रीडर में, ब्रीडर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो जो बकरा आपने अभी पकड़ा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये सर हमारा स्टार्टिंग का यही ब्रीडर है जो लगभग अभी 4 साल के अंदर क्रॉस कर रहा है ये जी। तो अभी इसमें इसके रिजल्ट है वो बहुत अच्छे पाए हमने। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 42-43 के करीब है, लंबाई आप इसकी देख रहे हो, और ये अभी तो थोड़ा सा हो गया उम्र के करीब, नहीं इसमें 1 क्विंटल से ज़्यादा वेट कर लिया था इसने। अच्छा जी सर, और कितनी बार आपने इससे अपने यहाँ पर क्रॉसिंग ली है सर? हमने सर इसको 2 साल के अंदर 2 बार क्रॉसिंग किया है। अच्छा, और ये तीसरी बार के अंदर हमने रिजल्ट देखे हैं इसके, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं हमारे के लिए, तो ये बहुत अच्छा ब्रीडर है। आप देख सकते हैं दर्शकों, मैं थोड़ा सा सर इसको उस तरफ घुमाइए ताकि अपन जो एक लेंथ होती है वो अपन देखें, और जो एक ब्रीडर में ख़ास बात होती है, जैसे आप देख सकते हैं इसके मुंह की बनना जो रुबीली होनी चाहिए, रुबीला होना चाहिए, सींग जो है वो बिल्कुल फ्लैट पीछे की तरफ दबे हुए होने चाहिए, कान लंबे होने चाहिए, गर्दन जो है वो आप देख रहे होंगे है ना, मोटी हैवी होनी चाहिए, और जो आगे के पैर हैं और जो पीछे के पैर हैं वो मजबूत होने चाहिए, ताकि इससे जो मिलने वाले संतान है वो भी ऐसी मजबूत मिले और वो भी इतना वेट गेन कर सके। सर, ये जब आप लेकर आए थे तब कितने वजन का था ये? सर 1 क्विंटल को पार कर चुका था उस टाइम। उस टाइम पे जब आप लेकर आए थे उस टाइम, फिर उस टाइम पर और कोई परेशानी तो नहीं? जनरली हम बात करते रहते हैं, हमारे दर्शक भी बात करते हैं कि जो हैवी वेट बकरे हो जाते हैं वो अक्सर क्रॉस करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसी कोई भी शिकायत देखने मिली थी कि आसानी से कर रहे थे बकरे? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको टाइमली दोनों टाइम हम इनको दूध पिलाते हैं, इसमें हल्दी है और भी है इनके लिए चालू रहता है, अगर आप इनको खाने के अंदर अच्छा आहार दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, और अभी क्या बॉडी वेट होगा सर इसका? ये सर अभी 80 के ऊपर है इसका। 80 के ऊपर है जी सर जी। चलिए सर, बहुत अच्छा बकरा है आपका। अब दूसरे बकरे को देखते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से बकरे को तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर जो उपलब्ध बच्चे हैं वो इन्हीं के हैं, इन्हीं बकरों के हैं, तो बहुत प्यारा और बहुत रेयर कलेक्शन है ऐसा। जैसे आप ये बच्चा अभी देखे? ये हमारा दूसरा बच्चा है जो अच्छा। अभी ये 15-16 मंथ का है। अच्छा। और अभी इसको हमने नए ब्रीडर के रूप में काम लिया है, और इसकी 1-2 बकरी क्रॉस करवाई जो अभी ताजा 1-2 ब्याई हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका कलर है वो भी बहुत स्पोर्टी कलर है, और बिल्कुल ये शांत स्वभाव के बकरे होते हैं जो ब्रीडर हैं, ये बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। सर, जैसे आप इसके रिजल्ट की बात कर रहे थे, हम वो देखेंगे जरूर, परंतु थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये अभी कितने बॉडी वेट पर होगा और क्या है ना ये सर अभी ये हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट है ये जो आप देख सकते हो, इसकी भी हाइट है ये 40 क्रॉस कर रही है जी। और अभी ये बच्चा है, ना कि कोई ज्यादा उम्र नहीं ली है इसने, और इसका बॉडी वेट है वो भी 80 के करीब अभी फिलहाल है। अच्छा। इसकी कानों की लेंथ है, साइड फेसिंग है, बहुत शानदार है। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमने 2-3 बकरी क्रॉस करवाई है इससे, और अभी आगे के लिए यही ब्रीडर के हम करने वाले हैं, ब्रीडर के रूप में इसी का उपयोग करने वाले हैं अभी। सर, मैं एक बार इसके दांत जरूर देखना चाहूंगा, अगर आप देख।
ये देखिए, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा ये ब्रीडर है सर। और क्या बॉडी वेट होगा इसका? ये सर 80 के करीब है अभी इसका। कलर बहुत प्यारा है, गोल्डन कलर है, आप देख सकते हैं। और जो खड़े होने के स्टाइल है जिसमें बैंड आता है, बहुत खूबसूरत है, और यही इसे बिल्कुल ख़ास बनाता है। और इसकी लंबी कद काठी है, बिल्कुल कलर बहुत प्यारा है। सर इसका हम रिज़ल्ट भी देखना चाहेंगे अभी, है ना, कि क्या रिज़ल्ट रहा इसका, उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा बताइए, दर्शकों को बताइए कि अगर अच्छा ब्रीडर होता है तो आपको रिज़ल्ट भी अच्छा देखने मिलता है। ये हमारा आगे के लिए जो ब्रीडर है उसके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट बकरा है ये उसका रिजल्ट है, जो अपन ने पहले देखा था हेवी बोन वाला, वो उसी का रिजल्ट है ये। ये अभी कितने महीने का हो गया बच्चा? ये अभी 3 महीने के करीब का हुआ है। 3 महीने करीब का हो गया, बहुत प्यारा। 3 साल बाद भी यकीन छूटेगा। और ये जो हमने अभी आपको बताया था कि हमने ये जो नया ब्रीडर है उसके ये रिजल्ट है, ये देखिए प्योर चॉकलेटी कलर है, जो नया कलर है एकदम, और वही इसकी हेवी बोन है। मुंह भी देखिए, पूरे कान लंबाई में है, सब कुछ शरीर लंबा लेके है, ये इसका रिजल्ट है। अच्छा, दूसरा ये बच्चा इसका, तो ये भी है, तो उसी के कलर से है ये। और जो आपने दूसरा वाला, ये दूसरा वाला है, ये दोनों प्रोडक्ट उसी के है। अच्छा, ये अच्छी लेंथ के अंदर अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं सर। छोड़ दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट। कलर भी है, स्पोर्ट भी पूरे हैं, और अच्छे रिजल्ट के अंदर ये। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये 10 से 15 दिन के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने ब्रीडर दिखाए और जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, वो अगर अपने यहाँ पर बकरे लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या आपके यहाँ पर छोटे बच्चे जो ब्रीडर के रूप में आप तैयार कर रहे हों, या आपकी प्लानिंग हो, तो अगर वो किसानों को देना चाहते हो तो कुछ ऐसे बच्चे हों? हाँ, तो है ना, ये देखिए सर, ये देखो जी जी। ये दोनों ब्रीडर के रूप में ही है, ये जो है चॉकलेटी कलर है, ये स्पोर्टी में है, और इसकी ये अभी 2 महीने का बच्चा है। अच्छा, ओनली 2 मंथ का ही बच्चा है। और इसके आप पैरों की साइज है, इसकी लदक है, लंबाई है, कान है, वो सब आप देख सकते हो। ये अगर कोई भी फार्मर ले जाना चाहे तो उनके लिए भी अपने पास है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक ये बच्चा, एक ये दूसरा, ये रे, ये सब ब्रीडर के रूप में तैयार होने वाली ही नस्ल है, ये प्योर सिरोही की है, ये कलर है, कान है, सब अभी छोटे बच्चे हैं। ये अपन जुड़ने वाले फॉर्मर के लिए अवेलेबल है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत रेयर कलेक्शन है आपका। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में जो दिखाए गए बच्चे हैं, बकरे हैं, वो आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। पसंद आए तो बिल्कुल आप बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं। सर ने बताया भी, सर का रेट भी बहुत अच्छा है, तो आप बिल्कुल सर से संपर्क कर सकते हैं और एक बार फार्म ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको सीखने बहुत मिलेगा कि किस तरीके से कोई भी एक नया आदमी या नया फार्मर जो कि बकरी पालन करना चाहता है तो किस तरीके से कर सकता है, आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।